मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए सचिन वजे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सचिन वजे का नाम सिर्फ और सिर्फ ना कि मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में है, बल्कि अनिल देशमुख से लेकर परमवीर सिंह हर सारे के सारे केस में जो है सचिन वजे का नाम सामने आया है, जिसके बाद कभी CBI, कभी ED, कभी मुंबई पुलिस तो कभी महाराष्ट्र CID की टीम जो है लगातार छानबीन कर रही है और सचिन वजे को बुलाकर उससे पूछताछ कर रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आज जो है सचिन वजे को चंडीवाल कमेटी के सामने पेश किया गया। एक घंटे पहले की ये न्यूज़ सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सचिन वजे जो है उसने आज चंडीवाल कमेटी के सामने अपनी गवाही दी है परमवीर सिंह और अनिल देशमुख को लेकर, जहां पर परमवीर सिंह के द्वारा कुछ टाइम पहले एक लेटर लिख के आरोप लगाया गया था कि अनिल देशमुख के जो PA हैं संजय पांडे, उनके द्वारा बोला गया था कि अनिल जो सचिन वजे है ये 100 करोड़ रुपए की वसूली करे बार और रेस्टोरेंट से। तो इसको लेकर आज जब सचिन वजे से उसकी गवाही ली गई चंडीवाल कमेटी के सामने, तो सचिन वजे ने इससे पूरी तरह से डिनाय कर दिया है। उसके द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया है कि वो जो है संजीव पांडे से मिला तो था, लेकिन अगर बात की जाए उससे कोई मनी की बात की, मतलब मांगने की या कहीं बार और रेस्टोरेंट से जाके वसूली करने की, वो उसके लिए अगर कुछ बोला गया था तो इस पे उसके द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो संजीव पांडे को एज अ निजी पर्सनल तरीके से कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना जानता है कि वो जो है अनिल देशमुख का PA हैं और बस उनसे इतना ही उसका कनेक्शन है। और रही बात की वसूली की, तो उसका कोई भी मतलब नहीं था, मतलब कि कोई भी वसूली करने के लिए वो नहीं जाता था। मतलब कि परमवीर सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसको ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से झूठ, उसको झूठा करार देते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ आपको बता दूं कि परमवीर सिंह के द्वारा भी चंडीवाल कमेटी के सामने परमवीर सिंह के जो वकील हैं उनके द्वारा भी बोल दिया गया है कि जो भी मैंने आरोप लगाया था वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने अफवाहों पे बेस, मतलब किसी और ऑफिसर के द्वारा वो अपडेट दी गई थी, मेरे द्वारा डायरेक्ट अपडेट नहीं दी गई थी। मतलब कि परमवीर सिंह भी अपने आप को पीछे अब हटा रहे हैं, इधर सचिन वजे भी अपने आप को पीछे हटा रहा है। मतलब कि अनिल देशमुख के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्लीन चिट देने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चंडीवाल कमेटी के सामने आज सीधे सीधे सचिन वजे के द्वारा बोल दिया गया है कि उससे कोई भी पैसे की वसूली कराने के लिए अनिल देशमुख के PA के द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया था। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पर क्या खुलासा होता है। आपका क्या ओपिनियन है, बाय द वे आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।